आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं खास समाचार। डेल्टा प्लस का खतरा, कर्नाटक में एंट्री के लिए आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट जरूरी, केरल के यात्रियों के लिए कड़े नियम किए गए लागू। नवजोत सिंह सिद्धू पर पार्टी आलाकमान मेहरबान, जल्द मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने गरीबों की मदद के लिए वाईएसआर बीमा की शुरुआत की। जगन ने कहा, लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से गरीब परिवारों को मुफ्त बीमा प्रदान की जा रही है। बीदर जिले के 4 तहसीलों तालुका चिदगुप्पा, हुलसूर, कमालनगर और भालकी तालुका में बनेंगे स्टेडियम, बीदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने कही ये बात। बज्म उम्मीद फरदा की ओर से 3 जुलाई को शाम 8:30 बजे गुलबर्गा के मुशायरे अदब के उन्वान से ऑनलाइन वेबिनार आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता वाजिद अख्तर सिद्दीकी करेंगे और डॉक्टर माजिद दागी का विशेष संबोधन होगा। मंजूर अहमद दखनी मुख्य अतिथि होंगे और सैयद इरफानुल्लाह कादरी चलाएंगे कार्रवाई। वैक्सीन की कमी के कारण लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में टीका लगवाने के लिए मची भगदड़, एक दूसरे को रौनते हुए निकले लोग। देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 4 लाख पार, पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 46,617 नए कोरोना के केस। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने खास अभियान किया शुरू। वैक्सीन लगी भी नहीं और मोबाइल पर आ गए मैसेज और सर्टिफिकेट। गाजियाबाद नगर निगम में बीजेपी के पार्षद देवेंद्र भारती भी ऐसी ही घटना का हुए शिकार। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने हॉरर लुक से उड़ाए होश, मिरर देख खुद भी डर गई एक्ट्रेस। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को हिंदी सिल्वर स्क्रीन के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि के लिए मिला स्त्री शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों दिया गया पुरस्कार, राज्यपाल ने खिलाया केक। पीएनबी घोटाले में गवाह बनने के बाद नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने ईडी को सौंपे 17 करोड़ रुपये। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए एक वोट की कीमत 50 लाख तक। कुछ लोग नोटों की गड्डियां लेकर पुलिस के पास पहुंचे और बताया कि उन्हें किसी माफिया ने वोट लेने के लिए जबरदस्ती दिए नोट। नौकरशाहों के तानाशाही रवैये से परेशान हुए बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी, इस्तीफा देने की दी धमकी। टाइगर कभी घास नहीं खाता, मगर मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में घास खाता दिखा बाघ, वायरल हो रहा है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक बार फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने खदेड़ा। राजस्थान में इंजीनियर के घर एसीबी की छापामारी, 5 लग्जरी कार, सोना और 8 किलो चांदी समेत करोड़ों की संपत्ति बरामद। कोरोना से मौतों के मामले में तीसरा देश बना इंडिया, जहां 4 लाख से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम, लिस्ट में यूएस टॉप पर। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की बिखरी जुल्फों के साथ फोटो वायरल, ग्लैमरस अवतार पर फैन हुए फिदा। कनाडा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से गांव में लगी आग, अब तक 1000 लोग हुए शहीद। मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज की तलाश में घर घुसी यूपी पुलिस, घर वालों ने जताई नाराजगी। पिछली 28 तारीख को मुनव्वर के बेटे तबरेज ने रायबरेली में अपनी कार पर गोली चलने की। एक्सप्रेस में इतना ही, देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24x7। धन्यवाद।